आपने मुझसे कहा था ग्रेजुएशन होने तक फोर्स नहीं करेंगे। देखो बेटे, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। फिर लड़का बड़े सरकारी रोजगार पे है, प्रॉब्लम क्या है? पापा आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। बेटे हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, वो लोग आते ही होंगे, जल्दी तैयार होकर आ जाओ। संभाल के बेटा। ये गीता है। बेटा हमने आपके गाने और खाने की बहुत तारीफ सुनी। खाना तो हम बाद में खा लेंगे, अब ये गाना सुना दीजिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा गाती है, सुना दो ना बेटा। बेटा कौन सा गाना गाओगी तुम? मैं वो गाना गाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या आपको पता है ये एक सिंगिंग टैलेंट कंपटीशन है? तो मैं और क्या कर रही थी? Have you heard yourself singing? हाँ, मुझे पता है मैं कैसा गाती हूँ। Thank you. मैंने कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि सोसाइटी के गेट के सामने क्रिकेट मत खेला करो, ऑलरेडी दो खिड़कियां टूट चुकी हैं। क्यों नहीं राहुल, मैं तेरे डैडी को कंप्लेन करूंगी। आंटी जी, बच्चे इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? पता है उन बच्चों ने फिर से सोसाइटी के सामने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, हद हो गई। मैं ऑलरेडी दो बार सोसाइटी वालों से कंप्लेन कर चुकी हूं, मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं आपसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रही हूं और आप भी ना। अरे अरे रुको रुको, क्लाइमेक्स है क्लाइमेक्स। क्या टाइमिंग है तुम्हारा। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ तो प्लीज तुम डिस्टर्ब मत किया करो। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सुना, मैंने 100 बार सुन चुका हूँ। वही बच्चे, वही क्रिकेट, वही सोसाइटी। अरे तुम थोड़ी देर से आती तो मैं अपना प्रोग्राम देख लेता, क्लाइमेक्स देख लेता। ठीक है, मैं जाके खाना गर्म करके लाती हूँ, तब तक आप ये सब देख लीजिएगा, मेरी बात मत सुनो। फिर शुरू होगी तुम। अरे नहीं खाना मुझे, खाना बस। अब आप बच्चे जैसे मत बिहेव करिए, ऑलराइट? मतलब तुम नहीं मानोगी, आपको दवाइयां लेनी है। अरे मैंने एक बार कह दिया गीता, मैंने खाना नहीं खाना मतलब नहीं खाना मैंने। ठीक है मत खाइए। मिली क्या आंटी? आई स्वेर आई डिडंट डू इट। आंटी वो राहुल हमेशा बॉल मार देता है ना। बॉल चाहिए? उस कमरे में। सुनो तो। क्या हुआ? वो खाना जो है तुमने फ्रिज में? हाँ वो तो तभी रख दिया था। वो खाना गर्म हो पाएगा? क्यों, जब पूछा था तब तो नहीं खाना था, अब क्या हुआ? ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो गीता, सुबह मैंने गुस्सा किया, सॉरी यार, गलती हो गई। नहीं तो
नाराज देखो इस तरह मत देखो दुनिया में मेरा और है ही कौन अगर तुम भी नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा क्या नौरंगी है यार अगर एक्टिंग नहीं होती ना तो नहीं करनी चाहिए इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया देखो अगर ये तुम खाना चुपचाप नहीं खाओगे ना तो मैं ये जब ले जाऊंगी तो तुम असली रोगे खिलाओ ना खिलाओ इसे कहते हैं खूबसूरती पता नहीं लोग इन लड़कियों को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं ये लगता है इन्हें दो हफ्तों से खाना नहीं दिया है किसी ने अच्छा ऐसे पोज में तुम्हें या किसी और कोई औरत सेक्सी कैसे लगती है मुझे समझ में नहीं इस उम्र में जेलसी तुम्हें शोभा नहीं देती तुम मुझे यहाँ ये टीवी दिखाने लाई हो What's your problem, huh? Your problem with everything. अरे इसे ऑफ करो मुझे ये रियलिटी शोज बिल्कुल पसंद नहीं तो गीता जी आप हमारे लिए कौन सा गाना गाएंगी मैं अपना फेवरेट गाना सुनाती हूँ वन टू थ्री पिया तू अब तो आ जाओ शोला सा मन भर के आके बुझा जाओ मन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा आ जा आ जा आ जा आ जा Craziest girl I've ever known. Love you, darling. मोनिका ओ माय डार्लिंग अगर मैं दुनिया के हर दरवाजे को खटखटाऊं तब भी मुझे तुम जैसा पागल और खूबसूरत इंसान नहीं मिलेगा तुम्हारे उस पागलपन से ही मेरा अधूरापन दूर हुआ और मैं नहीं चाहता कि तुम उस पागलपन को खो दो मुझे याद है कि तुम हमेशा एक ही चीज की शिकायत किया करती थी तुम्हें उसका सलूशन भेज रहा हूं